सबका दे रही हूँ। यहाँ 43, 53, 75, रैंकिंग 84, 94, 100। मैं किसी को भी ऐड कर रहा हूँ, ऐसा रैंडम किसको भी ऐड करता हूँ। ओके, 6 वो तो आ गए मुझे। ऐड करने का सोचेगा? हाँ, ये क्या मेरे से हाँ, नहीं खा तुम्हारे रहा से आ रहा, फिर मेरे से क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, रंग किसमें हो रहा है? मेरे और फोन में नहीं फोन हो में रहा है। जो क्लैरिटी एक देख, बार ऐड हो जाएगा वो जा फोन नहीं में पाएगा। क्लैरिटी देखो तू। हाँ, रंग मेरे फोन का देखो, मैं क्या कर दिया मेरे नए फोन का। तुम्हारे फोन के सब इधर आ गए। यहाँ कितने लोग थे? 480 लोग थे, सब वहां चले गए। तो अभी 150 है दिख रहे। चलो ठीक है, इमरान के साथ मैं ज्वाइन हो जाऊँ, इमरान बात करेंगे। इमरान के पास बहुत सारी फुर्सत ही फुर्सत है। ये फुर्सत नहीं है, तेरे फोन में नहीं हो रहा है ना, चेक करके और एक बार देखते रहते। सलमान तुझे ऐड कर रहे हम लोग। हाँ सलमान है ना? हाँ, तो फिर ठीक है, मुझे लगा नहीं और है किसी को की है। ऑप्शन तो है। अरे चेक करता हूँ, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखेंगे। अरे भाई, बस हो गया ना। अभी कितने कितने देखो, अभी भी दे रही है। कितना तो 1000 लिख दिए। नहीं, कितने तो करोड़ लिख दिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ था ना, माशाल्लाह। भूला था। मैंने की? हाँ मैंने वो नहीं भी की, नो दे, बच्चे लोग ने की है। उसके बाद लाइव बात चालू हुई है। अभी क्या भाई, झगड़ा करने लाइफ पे करो और करो ना झगड़ा। यार सब तेरे चरण कर, सब इधर आ गए, देखो यहाँ पे सब किसी ने इधर आ कुछ जाओ, लिखा है। सब इधर आ जाओ। इमरान इमरान खान खान 048 04 पे आ है, जाओ सब, सब क्योंकि लोग इधर आ मेरे जाओ। फोन की ऐसी की तैसी हो चुकी है। तो अब मैं बंद कर रही हूँ लाइव, क्योंकि और सब कुछ इधर आ प्रॉब्लम जाओ, हो इधर पे चुकी मैं है। सबको ज्वाइन करूंगा। तुम मुझे कुछ भेज, इमरान खान 048 मेरी क्या बोलते, वीडियोस में जाके भी देखोगे तो इमरान खान का आएगा। तो क्या बोलते, आईडी, आईडी के ऊपर से इमरान एडी तुमको फुर्सत से बात करेंगे लोग से। सना एडमी, सॉरी बहन, यहाँ पर आ जाओ, इमरान की लाइफ पर चले जाओ। देखो कितने अच्छे से मैं लाइव चालू करके बैठी, ये भी नहीं सोची कि कट भी नहीं हो रहे, कैसा आएगा। तो ठीक है चलो। खुदा ना खास्ता कभी कोई भलता ही ऐड हो गया तो मैं कट कैसे करूंगी। ठीक है मैं अपनी लाइव बंद कर रहा हूँ, सना के इस पे ही रहो। ठीक है नहीं, अभी बंद कर रही हूँ मैं भी। बंद कर रही है। हाँ हो गया, ये कट भी नहीं हो रहा बाबा। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे कल वापिस। ठीक है, चलो। बंद करूं? मैं भी बंद कर रहा हूँ। चल अरे तुमने बंद कर दिया, थोड़ा तो टाइम में रुक के देखते। चलो ओके अभी शेयर कर दूँ? कर दो। नहीं, शेयर नहीं करती हूँ। तो YouTube पे डालने का है तो, लेकिन पहले उसको शेयर तो करना पड़ेगा, फिर डाउनलोड। ठीक है अभी मैं सबको ऐड करूंगा, जिसको भी ऐड क्या होना हुआ है। बाजी, अभी मुझे डीएम आना चालू हो गया यार। सॉरी सॉरी, किसी का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ मैं। चलो ठीक है, अभी मैं एक एक जन को ऐड करना स्टार्ट किया। ओके मैंने अभी सुना 3 जन को ऐड किया, 4 जन को, सबको 4 जन को ऐड किया मैंने। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। ठीक अस्सलाम। और कैसी है जनाब पी? ठीक है हो? सब आप कैसे बढ़िया है। हो? आप तो बात ही नहीं करते कभी। हाँ बहन, मुझे डर लगता है, मैं किसी को ऐड नहीं करती हूँ। आपसे तो पहली बार बात हो रही है लाइव पे, सिर्फ टाइप पे हाँ, पहली बार मैं किसी को ऐड नहीं करती हूँ डर के। अस्सलामुअलैकुम कोई भाई। भी ऐड मत कर। वालेकुम सलाम, कोई कोई भी ऐड मत कर। अच्छा, ऐसा है क्या? और सब ठीक है? हाँ, सब ठीक बच्ची है। वो बच्ची कैसी है? ठीक है बेबी? भी ठीक है। हाँ, अभी आपके बीच में तबीयत खराब हुई थी, क्या हो गया था आपको? अभी नहीं, मैं मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी। ठीक है, बीच अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अब ठीक हाँ हाँ ठीक है। आप
अभी आई है हमारे यहाँ। चल आएंगे कहाँ पे आएगी? कहीं भी भाई। मरियम आपा अयुब भाई आए है लाइव पे। हाँ, देखे हम लोग ने आपा है। अस्सलाम वालेकुम आपा अयुब भाई। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट नेट नहीं चल रहा, देखो गूगल पे। चलो बाकी लोग को भी मौका दिया जाए। और सना की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, इसके फोन पे कोई कट नहीं हो रहा ऐड होने के बाद। पता नहीं क्या हुआ लल्ला। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ बंद होने मैं सही कर दूंगा चेक करके। मेरे को टेंशन नहीं वैसे तो। हाँ, मेरा आदमी फोन का कीड़ा है। इमरान भाई आपकी भाई वेट करते हैं। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। अयुब भाई क्या हो गया, बिजी है क्या कहीं पे? देखते अभी। भाई तुम तो बहुत बिजी आजकल। भाई तुम तो आजकल बहुत बिजी चल रहे ले भाई। हैप्पी नेशन। तुमसे अभी अपॉइंटमेंट लेना पड़े भाई, अभी तो बात करने के लिए। अबे देख, ये लोगों सब केक लेके आए ले 150 केक का। ओ सही। लाइफ पे कटे भाई, लाइफ पे कटेगा केक। अब ये लाइफ पे कटेगा केक। इसके लिए तो तेरे को बोला एड मत कर कोई को। अच्छा ठीक है, आपा है, आपा है नीचे, आपा को ऐड करूँ? आपा भी है, आपा है। इंग्लिश गाने के हिंदी है। जरा ब्राइटनेस तो कर। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, केक काट रहे 150 केक का। मैं बोला लाइफ पे काट दे यार। लाओ छुरी, लाओ क्या तलवार चाहिए? तलवार आपा आए ना, आए वो भी अपने पास में। सही है सही है। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बिजी थे दिन भर, वीडियो में देखे बहुत बिजी थे। 150 के हो गया भाई का, बहुत बहुत मुबारक बोलना। तेरी आवाज जरा जोर की जाती, जरा तू ही बोल। नहीं तुम्हारी भी आ रही है आपा। चलो अभी ताली बजाएगी। हाँ नहीं नहीं ये सब देखने का आजा नहीं उधर से बना। तुम लोग ताली बजा रहे, मेरे तो फोन रिंग में भी नहीं जाता है ना। आ जाओ लो, तुम बताओ ये थोड़ा। अगर मैं ताली बजा रही हूँ जल्दी, वो सच चाहिए था वहां से ले बताना। चलो चलो अयुब भाई, कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत मुबारक 150 के। जल्दी जल्दी आपका कितना 1 मिलियन फटाफट हो जाए 1 मिलियन। अयुब भाई, अयुब भाई, अरे सुन रही कौन फोन पकड़े ला अयुब भाई का। 1 मिलियन जल्दी जल्दी हो जाए भाई का, हम लोग को हमारे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। सही ना इमरान? सही होगी। ओ फोटो निकल रहे भाई के अंदर पूरे इंस्टा के। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आप लोग सब भी विश करो, जितने लोग लाइव देख रहे सब लोग विश करो, सब लोग विश करो। इंस्टाग्राम में मेरे मेरी फैमिली है, जितने मेरे फ्रेंड हैं फोटो सबका शुक्रिया। सही बात है, सबने सपोर्ट किए तो जब तक यहाँ तक बढ़े। सही बात है, सही बात है। और ऐसी सपोर्ट करते रहो मेरे भाई लोग को, और ये बहन को भी थोड़ा सपोर्ट करो। इमरान मेरे भाई लोग को भी सपोर्ट करो, ये बहन को भी थोड़ा सपोर्ट करो, और ऐसे ही आगे बढ़ते।
सबसे पहला किसको खिलाओ चो पहला किसको तुम्हारा केक बाकी आपा खिलाने के लिए सफान है सफान सफान को खिला दो सफान को खिला रहा हूँ चल काट सब दे अजीम को बोल दे रहे वहां से भी खिलाएंगे तो हम लोग मुंह खोल लेंगे भाई कोई मुश्किल नहीं भाई तुम फोन पे टिप दिखा दो कोई नहीं चले चले कोई नहीं तेरा मुंह खोलना ये नाइन्थ था पिएगी तुमने केक बताया भी नहीं ऐसा तो बताते थे लाइव पे हाँ हम लोग तो मुंह खोल के भी रखे थे चलो बेचारे के दोस्त लोग अपन तो नहीं पहुंचे फ्रेंड लोग तो पहुंचे केक काटने के लिए अच्छा लगता है ओ एक नंबर अरे भाई अकेले अकेले केक हम लोग तो बोल रहे भी नहीं केक खाओ करके मरियम आपा कह रहे सब केक खाओ अयुब भाई के लिए अरे अयुब भाई गुलाब बिलाब ले रहे क्या बात है अरे हम लोग को तो अभी खिला रहे सेफान केक थोड़ा अरे इंशाल्लाह लेके आते हम लोग नहीं हम लोग क्या हम लोग इसमें से भी खुश हो जाते हैं भाई अरे ओ आयु भाई देखो गुलाब पकड़ के बैठे माशाल्लाह माशाल्लाह दिल पे जगमगाए है बैग अंदर भूल गए ये गुलाब की बात देने का है चाची को दे रहा चाची को हाँ चाची को पूरा फोटो भेज दिया आपा सही में सरप्राइज है सही में सरप्राइज है रमजान के बाद बाप रे हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा सही बात है सही हकीकत है हकीकत फोटो आपा को भेज भेजो आपा को फोटो भेजो फोटो भी है मेरा आ गया फोटो आ गया चाची का अरे बाप चाची एक नंबर ची है तो रमजान रमजान और बकरा ईद के बाद में निकाह होने वाला है चाची बहुत खूबसूरत छे माशाल्लाह 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 तो निकाह निकाह बॉम्बे में होगा कि अपने लोग को जाना पड़ेगा सूरत में अभी वो देखना पड़ेगा चाची बुरा मत मानना सना ढोकला बिकला बोल रही है तुम जरा बुरा बिरा लेना नहीं जरा हाँ एकदम और है ना चाची पूरी लाइफ देखते अपने हाँ क्या बात कर रहे हाँ बोले आयु भाई बोले हम लोग को नहीं मालूम चाची को आपका फोटो आ गया है मेरे पास भेज देना देखते जरा भेजता फोटो भेजता इधर नहीं बता सकते मेरे क्या फोन बात कर रहा हूँ मैं मेरे फोन में अरे आपा खुशी आपा चेहरे पे खुशी तो देखो खुश रखे हमेशा आमीन 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 कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू बहुत बहुत मुबारक आपके 150 के हो गए बस अरे बाप रे पीला गुलाब भी है साथ में हाँ वाइट गुलाब है वाइट है इतना बड़ा गुलाब मिल गया है देखा नहीं तुमने हाँ मैंने तो देखा हूँ गुलाब की जगह गुलदस्ता मिल गया मरियम आपा ओ मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो भाई तुम लोग अकेले अकेले सब बड़े बड़े काम करे हम लोग को तो खबर भी नहीं अभी मालूम पड़ी मेरे को भी खबर नहीं आपा कसम से बोला आज ही फोटो आया शाम में तो कितना बोली कि नहीं झूठ बोल रहे आयु भाई किसके भी तो वीडियो कॉल की भेजे ले माशाल्लाह माशाल्लाह उसमें क्या झूठ बोला वही तो बोला चाची एकदम स्मार्ट छे खूबसूरत छे सही में आपा हाँ आपा भाई
मैं तुमको फोन करने वाला था लेकिन फिर तुम बिजी थे, लाइव वीडियो में देखा तो मैंने बताया नहीं, बहुत आज बिजी थी क्योंकि शबे बारात आ रहा है, फिर अभी दो दिन इसमें बिजी रहेगा, कल मेरे को थोड़ा फातिया भी दिलाने का है करके, अभी परसों भी तो उसमें बिजी, तो मैं आज पूरा दिन मैं ना 7 बजे तक तो रूम पे थी, फिर समीर का शेव बाल बाल कटवाने का था, फिर पार्लर उनको वहीं बुलाई, फिर हम लोग 10 बजे तो रूम पे आए, घर पे आई ली। अच्छा सब उधर ही अरेंजमेंट करना पापा निकाह का, बॉम्बे में निकाह करेंगे ना, अपना चांदनी का मैदान मस्त है और लक्की मैदान है वो, एक नंबर वहीं करेंगे, उधर जो भी काम होता है सक्सेस होता है भाई, सरकार की नगरी में ना। 8 तारीख की मेरी फ्लाइट की टिकट है अजमेर, हाँ 9 तारीख की रिटर्न है, प्रोग्राम कन्फर्म कर 20 तारीख को। अच्छी बात है, यूट्यूब अभी कल का यूट्यूब का टाइटल रहेगा अय्यूब भाई की शादी पक्की। नहीं नहीं शादी करना थोड़ी है, हाँ ये बात भी है, सुन ले अभी मेरे पास औरत है नहीं, अभी मैं 3 महीने हो गए, 3 महीने 1 दिन मैं बिना औरत के जी रहा। अरे इंसान है बराबर, तो मैं भी कहा अकेला कब तक जीऊं, सही बात, कौन देगा भाई, बीमार आदमी है, बूढ़े आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, ख्याल कौन रखेगा, ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना आपा, तो फिर खाना बिना बना के चाची देगी ना अभी आके, क्या खाने का चाहता है, लेकिन कुछ भी बोलो चाची है, एक नंबर फसा क्या बोल रही है, चाची एक नंबर है, मुनमुन सेन की डुप्लीकेट लगती है मुनमुन सेन की, सही में आपा सच्ची में यकीन नहीं करेंगे तुम, मैं भी यकीन नहीं कर रही थी, जान दो अभी, फिर एक्टर लोग में जोड़ो मत, फिर बाद में सबको बहुत घमंड आ जाता है, हम ये दिख रहे हम वो दिख रहे करके, ये तुम्हारे जैसे हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने बात चलाई, अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी मैं तो एक ही वक्त मिला हूँ, जब तक हो जाना चाहिए आयु भाई का सेटलमेंट तब इंशाल्लाह, मगर मगर चुप, ये तो दूसरी पटरी पे जा रही, कोई फायदा नहीं हो पटरी पे, कोई फायदा ही नहीं रह गया इतना बोल बोल के, चल अभी बस हो गया, ट्रेन बंद हो गई है, ये बिना टिकट चल रही है आप चालू गाड़ी में, इसका कुछ नहीं होने वाला, वो पटरी की लाइन ही बंद हो गई है, लाइन बंद हो गई है, जबरदस्ती ट्रेन दौड़ा रही उधर तो, मगर तुम लोग ने बहुत ओपन करे तो सस्पेंस रखना चाहिए था, अभी सस्पेंस बाकी है आपा, आयु भाई ने बोल दिए, हम लोग चुपचाप बैठे थे, सस्पेंस क्या रखने का आपा, सस्पेंस क्या रखने का, जो करने का खुल्ला खुल्ला करने का, अरे भाई नजर भी लग जाती है ना, अरे तो कुछ नहीं हो तो क्या बात है, दूसरी ढूंढ लेंगे, सही बात है, पढ़ो चल, नहीं पढ़ने का छोड़, लेकिन आपा ये के मेरे को क्या है, रहना खाना सब तकलीफ है, राइट, अपने ये शादी कर रहे ले, सही बात है, और फिर क्या आपा, अपने को 4 दिन को कुछ होवे करे तो देखभाल करने वाले भी तो चाहिए ना, सही बात है, सही बात है, तो अभी मैं भाभी नहीं बोल सकता, तो भाई ने बोले एक काम कर, अभी तेरे लिए नया टैग चाची, तो अभी चाची बोला कर, हेलो हाँ सही बात है, फोन पे बात कर रहे हो, हेलो भाई आया 15-20 मिनट में खड़ा रहे, शेरी में बुलाता हूँ, शेरी में आपा चाची का तो फोन आ गया, शेरी में आइयो, अरे भाई बोल रहे बाबा तुम्हें, कुछ भी मत बोला इमरान, तू जबरदस्ती का, नहीं नहीं क्या जबरदस्ती का, ये आपा को अभी भी भरोसा नहीं है भाई अपने पर, नहीं नहीं अपने पे भरोसा नहीं है, क्या बोलू बाबा अभी, नहीं सबको रखने का, देखो पेंडी वाली को भी रखने का, पब्लिक वाली को भी रखने का, कर रही है नीचे पब्लिक मैसेज कर रही है, इमरान भाई तैयार हो, रमजान आने वाला है,
पूरा टाइम पास रमजान में बेचारे लोग का अच्छा खासा आप लोग आए क्या मगर रमजान में लाइफ पे अगले साल कैसा अगले साल आते तो वैसा 1 बजे बाद आ जाने का लाइव पे है। हाँ सही बात है, अच्छी अच्छी बात करने की सही बात है। क्या कहती क्या कहती अच्छे अच्छे बात करने की अपने को सुन ले ध्यान दे अभी बोलना नहीं है चल कैंसल वाह बोल एकदम मैं हूँ आशिक आशिक पैसा देख के बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को आज माशाल्लाह अच्छा लग रहा खुश है ऐसी खुश रहो हमें ऐसी खुश रहो अल्लाह तुमको ऐसी खुश रखे जिंदगी में कोई किसका थोड़ी है सब अपने लिए जीते तो हम काय को कोई के लिए जीते भाई बराबर बहुत देखा बहुत इंतजार कर लिया चलो आज नहीं ने कल सुलट जाएगा कल नहीं ने 8 दिन बाद सुलट जाएगा 8 दिन नहीं ने 15 दिन बाद सुलट जाएगा। अभी एक मेरे को एक चीज समझ नहीं पड़ी अभी मेरे को तुमने दुनिया भर का गंदा चित्र दिया पब्लिक के आगे बराबर अभी भी कुछ बाकी है तो आजू भी मैं ऐसा हूं मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता मेरे को ये नहीं होता क्या मिलने का है कुछ मिलने का है कुछ नहीं मिलने धूल का ढिगला है उल्टा उल्टा जो हमारे दिलों में थोड़ी बहुत मोहब्बत बाकी है वो भी खत्म होती जा रही सही बात है। हाँ और दूसरी बात के इंसान थोड़ा भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है सही भाई बात 99% में खराब चलो मान लिया 1% हो गए ना 1% सही बात है तो वो सब इससे भी थोड़ा अफसोस होता है आपा सही बात है इतना गंदा हूं मैं इतना गंदा हूं तो फिर गलती तो देखो इंसान से ही होती है हर चीज की माफी भी होती है गलती भी होती है सब खलास कर देना चाहिए सही बात है सही बात है सही बात है क्या हुआ एक बोल मेरा 4 महीने पहले ही खबर पड़ गई मैं गंदा हूं तो फिर मैंने क्या कर दिया क्या समझना मेरे को वही समझ के बाहर है वो बोलो कल बोलते एयरपोर्ट पे आएगा मिलने अबे तेरी माफी मेरे पास कोई साधन नहीं कोई गाड़ी नहीं कोई घोड़ा नहीं मैं रिक्शा में घूम रहा था तूने छोड़ा नहीं नहीं आप तो 12 बजे की गाड़ी में बैठ गए थे कुछ है ना बाकी कितने बजे की गाड़ी थी आपकी मरियम आपा हम जो काम देखने गए ना वो काम देख के फिर एक दूसरा काम था मेरे को वो काम पटाया अरे हम मेरे को घूमने नहीं आएगा वीडियो बनाने नहीं मेरे धंधे के लिए दौड़ाएगा कुछ माल है वो देखेगा अब तुम मानिए नहीं मेरे को 12:05 को बोरीवली स्टेशन में समझो 7-8 किलोमीटर दूर था अब मैं मलाड़ में था मलाड़ में खाना भी नहीं खाया कैसा कैसा ट्रेन पकड़ लिया मैं बोला रुक जाओ एक दिन खाना खा लेना रुक के कल चले जाना मेरी औरत क्या रहती है वो सोसाइटी के बाहर सामने ही था तो वहां होटल में खाना खाने का था पर लाइव बंद हुई ना तो मैंने देखा 12:05 हो गई मैंने सपन को कहा भाई फटफट भाग अगर खाना खाएंगे तो अपनी छेली ट्रेन है नहीं तो फिर हमको सुबह 5:30 बजे तक बैठना पड़ता हुआ हालांकि इमरान ने क्या बोला घर आ जाओ पर मैं क्या सुबह में काम है अपने को तो ये भी मैं चला है सिगरेट दे इसके में फटाफट ट्रेन पर अभी इतना खुश है तुम कहीं को सिगरेट विगरेट पी रहे अरे आपा वो एक सहारा है अपना अभी उसको सहारा मत बनाओ नहीं नहीं इंशाल्लाह नवी नवी आज
जो बीती चीज थी उसको पीछे छोड़ दो, अभी नए सिरे से जियो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह छोड़ दूंगा, जल्दी छोड़ दूंगा। सही बात है, सही बात है। तो फिर आप हम रिक्शा पकड़ दो फटाफट आए बोरीवली स्टेशन, और इतनी भूख लगी कि पूछो मत, चलने की भी हिम्मत नहीं थी, और भागे ना भाग के चालू ट्रेन में चढ़े हम। हाँ देखे ना ट्रेन का वीडियो। नहीं एसी कोच में गए, इसको मैं बोला भाई कोई स्टेशन पे रुके तो कुछ खाने का ले, पानी की बोतल ली। चला तुम मानिए ऐसा नसीब कि बोरीवली से सूरत थी वो ट्रेन। अरे बाप रे, ट्रेन कहीं नहीं रुकी, आप सीधा सूरत रुकी, और इतना थक गए कि आके सीधा सोई गया। खाना वाना एक थैली दूध लिया स्टेशन पे, हाँ। ने खोला गया, अच्छा अच्छा, हाँ ने सो गया। फिर सुबह में एकदम जल्दी उठ गया, एक काम था तो 8 बजे फिर उठ के चला गया हजीरा। हाँ वहां से आया मैं दोपहर को 3:30 बजे। हाँ मैंने सोचा थोड़ा सो, तो भी सोने को नहीं मिला। अभी आप आ गया, थोड़ा काम हाथ में है, बस अल्लाह इसे हमेशा रखे काम आप लोग के हाथ में। और क्या है, दो चार काम अल्लाह अच्छे करा देवे ने। बचीर भाई का, बचीर भाई बोल रहे थे क्या ना, उनका रिसोर्ट है ना अड्डा रिसोर्ट, बोल रहे थे वहाँ पे आपा को भी बोलना, उनकी फैमिली लेके आने, आयु भाई को भी बोले, मेरे को भी बोले, सब लोग बोल रहे थे। तो हाँ परी बता रही लोग, रिसोर्ट बहुत अच्छा है, और मेरी बेटी उनकी बहुत लाइक, बहुत अच्छी जगह है परी, बहुत उनकी वाइफ को बहुत लाइक करती है, उनका हमेशा वीडियो देखती परी। पहले से लोग का मसाले का भी बिजनेस है ना कुछ, हाँ बंद हो गया वो, हाँ तो मसाले का भी था, क्योंकि वो इंस्टाग्राम में सॉरी टिकटॉक के नाम से परी उन लोगों को फॉलो करती है, तो परी बोले मेरे लोग का रिसोर्ट बहुत अच्छा है, रिसोर्ट बहुत अच्छा है, तो आप इंशाल्लाह सब लोग जाएंगे मिलके। अरे आपा बहुत अच्छा हो गया ना, आयुब भाई को पूछो ना, उनका आड़ू है ना मेरा 10 साल पुराना दोस्त का भाई निकला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब वो 10 साल के मिले तो डायरेक्ट बुला रहे इमरान भाई, यहाँ कहते हैं तो बोला बशीर भाई से मिलने आए। हाँ आयुब भाई, बशीर भाई क्या बोले मालूम है भाई, इधर गोडाउन उडाउन चालू कर दो, क्या चाहिए मैं बेटेला हूँ, इधर ही चालू करो धंधा। वो बहुत अच्छे मन के इंसान है, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बहुत। लॉकडाउन में भी बहुत उन्होंने सबकी बहुत हेल्प किए थे, और लोगों की हेल्प, हस्बैंड वाइफ और कितने तो काम साथ वाले, कितना तो खाना बनाते थे लोग टिकटॉक के टाइम, बहुत बाटे बड़ा बड़ा, दो टाइम है बड़ा बड़ा तपेला खाना बनता था, बहुत सारा खाना बनता था, और उनकी वाइफ भी बनाती थी साथ में। हाँ हाँ हम लोग उनको जब से लाइक करते हैं करेली है गैलरी। अरे तो थे ना, हम एक काम देखने गए, वो काम निपटा क्या है 2 घंटे बाद, उसके बाद उनकी वो जो होटल है ना जहाँ हम पाव भाजी खाई, वो उनके खुद की रेस्टोरेंट होता। तो तुम मानिए नहीं कितने लोग वहाँ उनके पास वो काम के लिए, भाई मेरा ये काम है इतना, तो बेचारा हमारे को भी हैंडल करते रहे बशीर भाई, और उनका भी काम चालू रखा। सही बात। मेरे को बोले भाई इधर आ जाओ, जब भी तुम्हारा दिल करे फोन करो इधर आ जाओ, और इधर बड़ा गोडाउन खोल दो और चालू कर दो काम में बैठा हूँ। पनवेल में रहते ना, पनवेल में कहाँ रहते है ना? हाँ पनवेल में। पनवेल में वो आपा, हमने कोई दूसरी चर्चा नहीं करी आपा, हमने हमारे काम धंधे की बात करी। हाँ सही बात है, सब जगह थोड़ी गए सब चीजें खोल के बताई जाती, अपने काम धंधे की काम बात करने गए थे, और बाकी आप उनको सब मालूम है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब देखते रहे भाई, जितना अपन देखते रहे ना छोटी छोटी थिंकिंग, वैसे पूरे ये फॉलोअर लोग अपने लोग सब देखते, वो लोग कोई को किसी को कुछ बताने की जरूरत है, सब मालूम पड़ता, अच्छा कौन बुरा कौन सही कौन गलत कौन सच क्या झूठ क्या सब मालूम पड़ता है, खाली देखा देखी में रह जाते हैं लोग। एक दो तीन काम अच्छे हो जाओ ना आपा, तो ये जो मैंने जो पैसे लिया नहीं है
बराबर। और मैं क्या हफ्ते देर के जा, चलो जान दो। सही बात है। देखो अयूब भाई, आप देने की नियत रखिएगा ना तो अल्लाह पाक आपकी खुद कमाई में हर चीज में बरकत देगा। और ये कैसा है कर्जा, तो देखो अल्लाह ने मरते दम तक किसी को माफ नहीं रखा है, जीते जी किसी का भी जो भी है। देखे थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खलास कर डालो कर दो। अब कोई इमरान को साथ में लेके जा रहे, इमरान साथ में काम कर रहा है, साथ में है, बहुत तकलीफ नहीं है। देखा इमरान तकलीफ होते क्या करते, पूरी दुनिया को तकलीफ होती क्या कर सकते होंगे। जो जो अल्लाह को मंजूर रहेगा, जो नसीब में जितना मिलने का रहेगा ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। मरियम आपा वो बराबर, वो साथ में दूसरा बंदा था, वो मेरा पार्टनर है। हाँ, नजीर भाई, करता सब करता है मरियम आपा। और आज रियाना का फोन आया, रियाना क्या अपनी भाईजान एक काम करो, अगर तुम्हारा काम चलता है तो 25,000 भी दियो। नहीं वो बोली, वो पहले भी बात हुई थी रियाना पास, हमारी भी बात हुई थी, तो उस टाइम तो बोली थी अगर वो ने पैसा लिए है ना, जैसा तुम्हारा नाम नहीं था सामने लेकर था, वो मैं बोलती कि पूरी रकम मत दो, थोड़ा थोड़ा करके दो। वो तो बेचारी बोली 20,000 भी करके देगी तो मैं लूंगी। अब तक तो 20,000 करके भी देते, आधे से ज्यादा पैसा निकल जाता था। क्या बोलता इमरान? मेरे को क्या बोले रियाना? बोले अयूब भाई, अरे भाईजान, बोले तुम्हारी औरत ने वो, उसकी कोई फैमिली है, रियाना आपा को जानती है, बोले उसको रिकॉर्डिंग को सुना है, क्या सुना है अल्लाह को खबर। बोले मैंने थोड़ी पैसा दिया है, रियाना ने मेरे हाथ में थोड़ी दिया है, वो तो पैसा अयूब के दिया है। अगर मेरे हाथ में दिया होता तो मैं बात करती, तो अयूब को दिया है तो अयूब से ले हुए। मेरा इतना कहना है, 15 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह मेरे को बहुत दे देगा, बराबर। पर जो साजा गरीब नवाज के आस्थाने पे खड़े रहकर खाली कोई बोल देवे कि 1 रुपया मेरे पास मैंने लिया नहीं है, तो अपने 15-30 लाख चुका देंगे मजदूरी करके। सही बात है, सही बात है। मेरे को बहुत स्टोरी सुना है आज रियाना ने। हाँ, मैंने कहा जान दो भाई, कोई वांधा नहीं। देखो अपा, यहाँ आज मैं पैसे लेके खा जाऊंगा, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहेगा, बराबर। जब तक आप खुद मारेंगे और किसी का कर्जा ले लो माफ नहीं करेगा, तो अपनी बख्शीश भी नहीं होने वाली है। बहुत देर बाद या उसने बोल दी अपने जनाजे पे आके, चलो मैंने माफ कर दी, तो भी थोड़ा समय होगा। जब तक वो सामेला माफ नहीं करेगा, जब तक अपनी बख्शीश नहीं होने वाली है। अभी आपा, मैं ये 15 लाख रुपए की बात है, मैं फकीरों के साथ ट्रेनों में घूमता, या सूरत में तुम कोई भी पूछो, मैं सूरत आके काम धंधा करता नहीं? सही बात है। और आपा, मेरे पे एक बात की तकलीफ है, पैसे प्यार से बड़े नहीं है। सही बात है, सही बात है। आदमी रात को खाता, सुबह में हक देता है। सही बात है, फिर उसको नवा खाना पड़ता है। देखो कितना भी नियामत खा ले आदमी, कितनी भी खा ले, यहाँ से जाएगी यहाँ तक कि उसका वैल्यू तेज लगेगा, उसके बाद में वो गंदगी में जाएगा। तो इसीलिए मत किसका ऐसा खाओ, कितना भी तुम करके खाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तुम चटनी रोटी भी खाएंगे यहाँ तक कि अच्छी लगेगी, तुम अफलातून भी खाएंगे तो यहाँ तक कि अच्छा लगेगा। और किसी का इतना नाजायज मत खाओ। देखो अभी नहीं निकलेगा, अभी अल्लाह बोलते ना एक दो रहती है, उसको छोड़ के रखता है, जिस दिन खींचेगा ना तो उस दिन जब मालूम पड़ेगा। आज आदमी क्या बात बोले, एक नंबर बोले। फिर आज आदमी सोचेगा कि मैं कर लूंगा, अरे मेरे को तो कल कुछ हुआ नहीं, अंदर झकमरा ना मादर चो, जब बात करती तो यहाँ तू झकमराता है रे गांडू आके। आज आदमी बोलता है कि अरे मैंने ये कर लिया,
कल तो मेरा इतना अच्छा गया मालूम नहीं पड़ा, परसों नहीं गया, एक ना एक दिन अल्लाह पाक जब क्या जब दिखा देगा ना तो क्या अल्लाह पाक आराम से दिखाएगा और दिखाएगा जरूर। और आज ये जमाना ऐसा है ना भाई, कोई भी रहने दो, माई रहने दो, मेरा बाप रहने दो, आप रहने दो, इमरान कोई भी रहने दो, आज आप करेंगे ना आपको नहीं दिखाएगा, आपके औलाद को दिखाएगा, वो दिखाता है कि औलाद की तकलीफ कोई माँ बाप देखता नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता है। अपने को तो भी होगा ना तो अपन बोलेगा अरे हाँ यार मैंने करी थी, तो ऐसा जब औलाद को तकलीफ होती है ना तो जो सच्चे माँ बाप रह गए तो उनसे तो बर्दाश्त नहीं होगा औलाद की तकलीफ। तो अल्लाह पाक आज के जमाने में अपने को नहीं दिखाता, अपने कर्म की सजा अपनी औलाद को दिखाता, इतना याद रखना। आमीन आमीन इंशाल्लाह। एक चीज बताओ मेरे को, कोई ऐसा भी हो सकता है किसी को मिलना ही है आपा? अरे आप खा के लेके नहीं जाने का है, वही तो तुमको यही देना पड़ेगा, यही छोड़ के जाने का है, यही छोड़ के जाना पड़ेगा, जिसका लिए दिए दिए सब इधर ही देना पड़ेगा, दुनिया की बीमारियां भी लग जाती है लोगों को, ऐसा भी हो जाता है। इख्लास अपने अच्छे रखो, अपनी सोच अच्छी रखो, किसी खुशी में खुश हो, ये जलन हसद खसक दिखावा ये ऐसा मैं वो ऐसा करूँ तो मैं ऐसा करूँ मैं वैसा करूँ ये सब सब इधर ही रह जाएगा। मालूम है सबको को भी बीमारी हो रहा है। क्या बोले क्या बोले? रियाना बोली सबो सबो के वहाँ जाके वहाँ दौलत नगर जाके बैठते ना वो लोगो, और वो फिर वो संध्या के वहाँ चार चार पांच पांच घंटा उधर बैठते, तो बोले सबो मैंने कहा लिया है, वो तो अय्यूब लेके भाग गया। बोलो सही बात है, सबों ने उसको सब बात बताई रियाना को, ऐसा सा बोलती थी तो। अरे भाई जब वो कुरान शरीफ की कसम खाई गई थी वो तो खाना नहीं चाहिए था, तो जब भी बहुत लोगों ने यही बात बोले ना, तो अभी मैं अभी इमरान इमरान मेरे को फंसाने का इमरान को राय इमरान को मेरे को फंसाने का है, अब इमरान के तुम खास है और मैं तो जानती इमरान को राइट, अब तो तुम इमरान तुमको पूरी पट्टी पढ़ा देना क्या करने का है कैसा करने का है राइट, सही बोल रही गलत बोल रही हूँ तुम्हारी रोकते ना भाई आप तुम्हारी गलत बातें करके राइट। तो ये लोग ऐसी पट्टी पढ़ाते तो पहला साथ दिखाते साथ में रहते बाद में फिर चूरा भोगते। हाँ फिर अभी इमरान को मालूम है कि भाई आपा तो मेरे वो आपा को तो मैं पहचानता हूँ, अभी आयुब भाई की पहचान करा दूंगा तो आपा तो आयुब भाई पे भरोसा करेगी ना अच्छे से, तो तुम्हारे को पूरा गेम में लिया गया है और समझे क्या। अब वो सामने ने भी क्या हिसाब से दिया है, अरे आयुब भाई नहीं देगा तो इमरान को तो मैं पहचान दी, इमरान तो मेरे को देगा ही देगा ना, मेरा तो खास है ना इमरान। हाँ तो कसम खाने में भी ये बात हुई ना, पैसा तो वो जाहिर सी बात है आयुब भाई के हाथ में आया था, मगर आयुब भाई ने तो तुमको दिया, तो सामेला ये बोलता ना मैंने थोड़ी ली थी, तो सामेला भी यही बोल रहा तुमने नहीं यूज तो तुमने ही किए ना पैसा, वो नाम आयुब भाई का था वापरा तो दूसरे ने ही ना वो पैसा। और आपा एक बात बोलूं, ये लोग जितने लोगों से मिलते ना हाँ जो तो बात करते ना उसमें से 90% लोग मेरे को फोन करके बताते। हाँ और तो मालूम है हमको सब मालूम, सब तुमको फोन आते सब मालूम है, जाने के बाद मेरे को तुरंत फोन करते, अरे फोटो भेजते फोटो भेजते भाई देखो तुम्हारी औरत बोलो। अरे अरे भाई अभी वो तो तुम छोड़ दो, वो जो अभी चलो 15 लाख की बात है उसके पहले भी साथ तुमको तो वो मालूम है ना किसी के साथ में बिजनेस करते थे, उसको कितना लॉस में डाले वो आदमी ने तुम्हारे, तुम भी उस वक्त गमे तो रहो आती है, वो आदमी ने उस सामने हाथ पाव जोड़ा ना दिवाली के टाइम पे मुझे कुछ पैसा दे दो करके, जिससे करोड़ों रुपया कमाए, आया क्या तुमको कुछ याद आयु भाई? याद है तो उसको भी कहता झिड़का के भेजा गया वो घर से। और आपा मेरे को ये एक चीज समझ नहीं आई कि ये लोग जिधर जिधर जाते हैं जिनसे मिलते हैं जो बात करते हैं वो लोग इनके मुंह पे एकदम वाले बनते हैं, जैसे ये लोग जाते ना
तो अपने को पूरी स्टोरी सुनाते हैं फोन। और आपा मैं है ना, मैं वो छिल्ले मैंने लालू से फोन पे एक बार बात करी, जिसने ये सब फसाद खड़ा करा आपा, ये पूरा फसाद वो लालू ने खड़ा करा बराबर। खाली मेरी गलती क्या हो गई आपा, वो वीडियो मेरे पास आया ने तो मैं इनको को ब्लॉक किया था, तो मैंने वो वीडियो लालू को दिया, आपा को बोल ये वीडियो ऐसा आया है। तो उसने उसके अंदर तेल मिर्ची मसाला डाला, ये डाला, ये डाल, ये डाल, और उसकी वजह से सब बराबर। और उसके बाद अक्कलकोट भी वो नहीं नहीं और बोल कहाँ तक पहुंचो लोग। ओके ओके हाँ आएगा तो फोन कर मेरे को। ओके हाँ बोलो। अब वो आदमी ने इतनी मिर्ची मसाला डाला, उसके बाद ये लोग दो चार दिन बाहर गए, वो साथ में था, तो वो क्या है आदमी थोड़ी देर बाद बहुत बेकार है, तुम्हारा शोहर बहुत बेकार है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसमें ये आदत है थोड़ी भूलेगा फिर वही बात रिपीट करेगा। अच्छा अच्छा तो ज्यादा वो मसला वहां खराब हुआ। अभी बोलो वो रियाना ने मेरे को बोला, मैं क्या सोच में पड़ गया यार, आदमी जिसके पास जाता वो बाद में उधर बात करता है। अरे बहुत दोगले लोग रे बाबा, अल्लाह रहम करे लोग से। तो अब वो अभी तुमको क्या बोलू, कल बिचारी वो मीनाक्षी नंदा वो मोहिन गई थी कपड़े लेने, तो उसको पता है मोहिन के साथ, मोहिन मेरा बच्चे जैसा है, वो अपना बच्चा जो मिला था वो। हाँ तो क्या आई के जीजू अगर आवे ने तो जीजू को बोलना घर आवे। सही बात है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। नहीं नहीं अच्छी हो मीनाक्षी, बहुत अच्छी है बिचारी, देखती है ना जा भी अपने साथ में सुख दुख में, अपने कुछ तबीयत खराब है कोई बात है ना, फटाफट फोन करके वही टाइम बेचारा उसका हस्बैंड भी और वो दोनों बात करते हैं। बहुत अच्छी है, अच्छी है, मेरी भी सब वीडियो पे सब कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी है। हम इतने खराब है, और सच्ची बात बोलू मरियम आपा, इंसान को है ना कोई को खराब कहने से पहले सोचना चाहिए कितने खराब है। लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं पड़ी, साला आदमी इतना भी एक्सेप्ट नहीं करता है, इतना भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो तुम कल आए थे बॉम्बे तो मैसेज डाले थे कि नहीं डाले थे? अभी मैंने ब्लॉग खोला साथ में था बराबर, काफी तक कोई का कुछ मैसेज नहीं आया। मैं तो साथ में था, 8-9 बजे तक साथ में था। उसमें क्या हुआ, मैंने ब्लॉग खोला, तुमने ब्लॉग नहीं खोला तो कहाँ से आएगा? बाद में मैंने मैं उनके घर के सामने खड़ा था, मेरे साथ मालवनी के 6 लोग थे, लाला भाई, बरकत भाई, हुसैन, दूसरे 2-3 थे, हम साथ में थे वहां। मैंने लाइव पे मैसेज भी किया, वो इतना मैसेज, वो अमीन मेरा छोकरा, वो सामने सोफे पे बैठा था, उसने कहा भी मेरी औरत को, मम्मी मैसेज आ रहे ला, तो देख के वो मेरे पास वीडियो है अमीन को दिखाया, वो तो तुरंत लाइव बंद कर दी। हाँ ये मैंने लिखा था, एड में लिखा था, और मैंने यू भी देख वो बराबर देख वाली में हूँ, तू मेरा मैसेज देख के इग्नोर करती है। अब वो क्या पब्लिक को बता रही थी लाइव में, मैं सुबह से इंतजार करती थी, आज मैं बहुत खुश होगी। और आखिरी में क्या बोले मालूम है,
मैं सोची एयरपोर्ट पे मिलने आएंगे। अरे आपा मेरे पास साइकिल ली, अब एयरपोर्ट पे किस तरह मिलने जाओ? ग्यारह नंबर पकड़ के जाने का रहता भाई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रिक्शा नहीं जाती है ना, तो ग्यारह नंबर जा सकते ना आप चलते चलते। जब मैं तुम्हारी सोसाइटी के बाहर सामने नाके पे खड़े लाओ, सही बात है, जान दो अल्लाह उनको खुश रहे, ये सब तो तुमने जितनी कोशिश करने का था करे, कल भी आए कुछ कोशिश करे, अब उस पर नई बात बनती तो देखो जबरदस्ती वाला कोई मामला नहीं बनता किसी के साथ में। खत्म हमने कोशिश, शरीयत में भी, शरीयत में भी लिखा है, हदीस में भी लिखा है, बड़े मौलाना ही बोलते हैं जबरदस्ती वाला ना औरत की तरफ से मामला बनता है ना आदमी की तरफ से बनता है। खत्म, जान दो। देखो मेरे को जलील करके उसको बहुत खुशी होती है, अल्लाह उसको खुश रखे, उसको और जलील करना कर सकती है, और बार बार बोलती है मेरे तू मेरे निकाम है, आज तो मेरा सुना मेरे निकाम है, अबे और बार बार बोलती है मैं तलाक दूंगी नहीं, अबे पागल मैं पटाखे कहीं बोल दूंगा तो खत्म हो जाएगा। सही बात है, औरत हदीस है, औरत खुला ले सकती है, और मर्द तीन बार बोल दे। अभी मैं लाइव, अभी मैं लाइव हूं तो तुम तीन गवाह की दुनिया गवाह है, तो खत्म हो जाता है। क्या बोलने का बाबा, अभी कुछ अपने समझ के बाहर है सब बात है। मैंने एक चीज कल नोट कर ली कि कोई साइको होता है, साइको ऐसा इंसिडेंट होता है ना तो वो सामने वाले को जलील करता रहता है तो उसको बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। मेरे को तो बहुत खुशी मिली आज चाची का चेहरा देख के, ओ चांद नजर आ गया। आज सोच लिया मरिया पापा, ये मेरा कल का खेलना ही चांस था, बराबर अब मैं कोई कोशिश नहीं करूंगा, बराबर ये जो थोड़े दिन बाकी है रमजान के और गरीब नवाज की छट्टी, बस रमजान अच्छे से निकल जाए, परवरदिगार सबका हंसी खुशी से। लाइफ है, मैं किसके साथ रहूं, किसके साथ जीऊं, कोई टेंशन नहीं, और मेरी फैमिली से मैं मिलता हूं, ऐसा नहीं है मेरी पहली फैमिली से नहीं मिलता हूं, मैं मेरी पहली फैमिली से मिलता हूं, मेरी बच्चियों से बात करता हूं, भाई क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। औलादे औलाद तो कोई भी नहीं छोड़ता है, सही बात है। वीडियो में बोल दिया थू अच्छी थू, मेरे बच्चों ने तो बोला नहीं है, मेरी अमीना ने बोला नहीं है कभी ऐसा। आपा तो मैं तो बातचीत करूंगा इन्हें, अरे कभी कभी तो खाना भी मंगाता हूँ, खाता हूँ। अरे सब सही है आपा, अभी बिरयानी का बंदोबस्त करो, कब खिलाने का क्या है, डेट फिक्स करो। तो आपा अगर मैं मेरी फैमिली के पास अभी चला गया, तुम एक बात बताओ, तो तुमको दुख करने की जरूरत है उनको? नहीं, जब तुमने तो मेरे को थूक दिया। हाँ सही बात है, और मेरे को कल कंफर्म हो गया कि भाई अयूब शेख कभी नहीं हो सकता है नाम, बराबर सही बात है, यकीन हो गया, अब इसके पीछे माथा पट्टी करने की जरूरत नहीं है, बराबर सही बात है। तो वो अपना नसीब अल्लाह उनको खुश रखे उसके हबीब के सत्य में, और ज्यादा आमीन आमीन आमीन। बात हम लोग, मैं बोलना चाहता हूँ सना लाइव में 1 2 3, या तो कभी कहीं सामने मिले वहां बोल देंगे, अपने करना नहीं चाहते, लेकिन कोई अपने को जलील करता रहेगा तो अपने से भी आप सेम नहीं होएगा। नहीं नहीं सही बात है,
और मैं भी ये बोल रहा हूँ कि ताना मारने से काम नहीं चलेगा, हमारा नंबर है ठीक है, और सबके पास नंबर है, ऐसा नहीं है क्या तुम्हारे पास नहीं है, तो ताना मत मारो, नंबर पे फोन करके बात करना 1-on-1। और अगर तुम अभी तेरे को कौन ताना मारा भाई, बताती ना बाद में फोन करके। अगर तुमको मिलना है तो मिलो, जो बात करनी करो, नहीं करनी तो कोई वादा नहीं, हमको आजाद करो। सही बात है, और हम बोल भी रहे जान लो आयु भाई, अभी इतना दिन तुम चुप बैठे, और देखे बोल इमरान तू भी अभी इतना दिन सब इतना अच्छा चल रहा था, अभी रमजान आ रहा है, परसों की बड़ी रात है, ये सब चीजें तुम आराम से जान दो। हाँ ये सब कुछ भी मत कर। अरे आपा कितनी बड़ी रात है मालूम है हमारे, तुमको मैं फोन करने वाला था, वो नहीं लेकिन मैं इसके बाद, वो एक जन है बाद में तुमको फोन कर बोलता हूँ। मरियम आपा अपने अमाल नामे लिखे जाएंगे साल भर में, बापरे ये शब्बे बारात के दूसरे दिन से मालूम पड़ता है कि कौन क्या होने वाला, किसका क्या होने वाला है, एक एक पूरे एक एक पत्ते पे लिखा जाता है पूरा साल भर का रिजक, किसका क्या दुनिया में कौन रहने वाला, कोई नहीं रहे हो तो बड़ी रात की इतनी दुआएं मांगी जाती है हर चीज के लिए, बस वही अभी अपना सब अच्छे से जाए, और हर मोमिन मुसलमान के लिए दुआ करो परवरदिगार सबका साल अच्छा जाए, हर बाल बच्चे से लगा रहता ना, नहीं बाल बच्चे के साथ पे सब अच्छे से रहे, बिजनेस पानी सबका अच्छा चले, हमेशा सबकी फैमिली मिलजुल के रहे, और अल्लाह किसका टूटता हुआ है टूटता है वो भी जुड़ जाए परवरदिगार, मगर सबका अच्छा हो करके, हर किसी के लिए दुआ करो, और अल्लाह अपने लिए भी बस कुछ अच्छे लिखे आमाल अपने। मरियम आपा इतनी बड़ी के आलिमों का ऐसा कहना है कि तुम्हारी कितनी बड़ी भी दुश्मनी हो ने उससे माफी कर लो। सही बात है, आयान आयो, हाँ बोलो, उससे माफी कर लो, और वो दिन तो अपने मुर्दे अपना इंतजार करते कब्रिस्तान में। बापरे जैसा पूरा कोई मेहमान आ रहे थे वो भी बिचार होंगी थे इंतजार में बैठते, भी हमारे घर का आएगा, बेटा आएगा, बाप आएगा, भाई आएगा करके। सही बात है, और ईद होती ना उनकी, वो दिन घर में कितनी खुशियां होती है, फिर मुर्दों की ईद ही रहती ना करके। हमारा रोजी रिजक लिखा जाता है, सब लिखा जाता है, एक एक तीन का बराबर बाल के बराबर क्या क्या होएगा साल भर में, हर चीज लिखी जाती है। लेकिन यार आपा बहुत अफसोस होता है कभी कभी, फिर क्या करते अयूब भाई, क्या करते बताओ, अफसोस होता है तो क्या कर सकते, अब तुमने जितनी कोशिश करने का था कर दी, अब क्या कर सकते ना, देखो तो ये सब चीजें ना जबरदस्ती वाला मामला भी नहीं होता है, अभी कोई जबरदस्ती नहीं, सुन लो कल का चिल्ला बराबर, वो फिर बोला भी तुमने ब्लॉक खोला, मैंने थोड़ी ब्लॉक खोला है तुम्हारा, तो क्या तुम्हारी, अस्तगफिरुल्लाह सही बात है, तो फिर सामने वाले को अब अपनी जरूरत नहीं है, जान दो अभी तुम भी, अभी क्या बोलने का, क्या कर रहे हैं ये, क्या तूने चालू कर दिया है कमेंट मुंह पे आ रहे पूरे, वही तो ये पागल है कुछ भी करती है फोन में, अरे देख रही थी बहुत टाइम से बंद था ना, पागल है ये, अबे भाई बंद करने यार, ये पागल है भाई, तुम्हारी छोकरी एड़ी है भाई समझो है तो चटा चट दे दे इसको भी, ये बंद हो जाते हैं, चाची को नाम बोल, नवी चाची को नाम बोलने की बोल रही है, मेरा नाम मेरी है, अरे पूछ मत आपा मरिया बाबा भाभी मुबारक हो आपा, अब देखो तुम भी दुनिया देखी तुमने, अगर ये इंसिडेंट जो मेरे साथ अभी हुआ वो तुम्हारे साथ हो तो तुम क्या करे, ये तुम्हारा में एक, तुम तो इतनी रिक्वेस्ट करे भाई, आप तो रिक्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तुमने जहां से हो सका वहां से बहुत कोशिश करे,
बहुत सब बोले बहुत करे इतना तो अगर आपकी जगह मैं आदमी रहूं तो इतना बिल्कुल भी नहीं करूं। ये एक मोहब्बत है। सही बात है। और अपने को तो ऐसी चीज से बहुत नफरत हो जाएगी। सही है ना जो है तो है। वो क्या अपने में सबर का मादा बाकी है अभी। और दूसरी बात अपने बहुत पेशेंट है जो आप इतना बर्दाश्त कर रहे भाई। सही है ना। कपूर नहीं है, एरोगेंस नहीं है, अपने झुकना जानते हैं। अरे वह कितना झुकेगा आदमी, कितना झुकेगा। अरे कमर इतना भी, इतना भी मत झुकाओ किसको कि अल्लाह नाराज हो जाए। अपा इंसान वो आसमान को देख के चलता रहेगा तो ठोकर खा जाएगा, उसको झुक के चलना पड़ता है। मरो चीज से अल्लाह भी नाराज होता है ना भाई। बहुत अल्लाह फरिश्तों को कैसा लानत बरसाओ इन पे। लेकिन वो देखो अभी अपनी पीठ दिखती नहीं है मरियम आपा, कल क्या हो जाओगे। सही बात है। हाँ और दूसरी बात जरूरी है, जाने दो अभी अपने को करनी है कभी इंशाल्लाह। जानो खलास करो अभी, अब तुमने जो कल तक कोशिश करना है कर दिए, बस अभी जब भी तुम बात करो अपनी बात करो, कुछ नई बात करो, बिजनेस का सोचो। हाँ ना, वो जितना टाइम मिलेगा देखो, टाइम मिलेगा नमाज पढ़ो, अल्लाह रसूल को याद करो, अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी अच्छी आपको भी थिंकिंग आएगी, कुछ आपसे लोगों को सीखने मिलेगा, कुछ आपको किसी से सीखने मिलेगा, ये सब करो आप, वो ये चैप्टर खलासी करो। और मैं तो जब लाइव पाइप पे भी आए तो नाम ही मत लो, कोई नाम निशानी मत लो, यही मत करो। क्या बोलते इमरान? सही बात है, सही बात, सही बोले। आप कितना भी वर्ल्ड में मेरे को बोले मेरा नाम लेवे, कुछ भी बोल देवे, अब मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। नहीं मत बोलो। हाँ बस एक शब्द नहीं बोलेंगे। अगर तुमको कहीं पर लगता है बोलना चाहिए, अगर ज्यादा कुछ हो रहा है तो फिर जरूर बोलना चाहिए। अरे जान देना, एक बार बोलेगा आदमी, दो बार बोलेगा, तीन बार बोलेगा, बोलेगा बोलेगा खुद ही चुप हो जाएगा, अब थक जाएगा। हाँ तू जब आपको ये जवाब देने बैठेगे वहां से जवाब आएगा, फिर यहाँ से जवाब जाएगा, ये खलास ही नहीं होगा ये सिलसिला। ना तुम्हारा काम धंधे में दिल लगेगा, ना फिर तुम उसमें तुम इंटरेस्ट लेंगे ना, तो तुम नहीं भी देखेगे ना वो चीज, तो लोग तुमको बोलेगा अरे भाई भाई तुमने देखे नहीं, ऐसा बोल दिए, अरे आयुब भाई तुमने देखे नहीं वैसा बोले, उससे तुम्हारा माइंड खराब होगा, कोई काम धंधे में दिमाग नहीं लगेगा, अपने आप की तबीयत खराब, कौन सिखाएगा, खलास करो उस चीज को। वो आपा वो दिमाग कितना है, क्या बोले, वो अपना दिमाग फिर उधर ही रहता। आज मेरे को एक आदमी ने, एक मेरा दोस्त है मेरा भाई है, छोटा है स्क्रेप का, सूरत में उसका बहुत बड़ा मेटल का काम है, दिल्ली का है, रिजवान भाई दिल्ली वाले, मेरे से छोटा है 15-16 बरस। उसने मेरे को क्या बोला मालूम है, तुम भी अभी भी इसमें से नहीं निकले। सही बात है। बोले तुम कम निकली। मैं तो बोलती हूँ एक ही बात, देखो अपना दिमाग आपको नहीं खराब करने का है, नहीं क्या करने का है, उनको अनफॉलो करो, उनकी चीजें मत देखो, खुद आपको एक दिन दो दिन ऐसा लगेगा, चौथे दिन आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा, ऐसा होता है। हम लोग को किसी का नहीं पसंद आता है ना, उसको वो क्या अनफॉलो कर देते, मेरे को तो फिर उसके सामने लगी कोई बात भी करता रहा, मेरे को इतना बुरा लगता है, मैं सामने मेरे घर में भी वो इंसान की बात भी मत करो, अनफॉलो करो ना, उसकी पंचायत रखकर अपना दिमाग खराब करो। फिर कैसा है सामने वाले को अपना ब्लॉग भी कर देना, फिर सामने वाला अरे वो ऐसा बोल रहा था, तो सामने मैं तो घर में बातों को चिल्ला भी देती, मेरे सामने जो चीज नहीं मत करो तो अपने दिमाग में बात भी नहीं आएगी। अब 3-4 दिन देखो ऐसा करो ना, उनका ब्लॉग देखो ना, उनको अनफॉलो करो ना, किसी कोई बात भी करे ना, बाबा तू मेरी बात कर, वो सब बात मत कर। देखो एक हफ्ते में आपका, मैं बॉम्बे में काली और भाई मेरा पार्टनर, हाँ बॉम्बे आने का, बॉम्बे क्या सब लोग पहचान गए, किस जो आपके दोस्त है, बहन है, भाई है, सबसे मिलो करो, वो लोग भी बात करे, बोला भाई देख तू अपनी बात कर, तू मेरी बात पूछ, मेरा क्या है ये बात मत कर, आपका दिमाग से खुद ये बातें सब निकल जाएगी, देख लेना।
वो मेरे को रिजवान रिजवान ने क्या बोला मालूम है, वो तरफ तुम देखेंगे नहीं ना तो तुम ऑटोमेटिक सूरत के सबसे बड़ा मदरसा भी दिखाए और जेल भी दिखाए, वहाँ पांच छह बड़े मदरसे। हाँ वो सबसे बड़ा नहीं है क्या मदरसा, वो भी दिखाए। वो हमारे जो डीलक्स बेकरी में बोलती रही हमेशा, वो बच्चों लोग ने वही मदरसे में तालीम करे, आज करोड़पति लोग ये बताऊ। ये अभी मैं बताऊं कि कल आपको लाइव पे ये मैं डालती ना, मैं हमेशा जहाँ से नान कटाई सब लेती मिठाई, वो लोग ने अपने बॉम्बे जाने के वसई रोड पे ना ऐसी भाई जबरदस्त होटल खोले, एक हफ्ता पहले ओपनिंग थी, मेरे को बहुत बुलाए, मगर वसई बहुत दूर पड़ता ना, बहुत अपने को मानते हो लोग। मैं वो होटल का नाम बताऊंगी, आप लोग आप जाएंगे ना उस होटल पे जाना खाली, और हम लोग का खाली नाम बोला, भाई लोग बहुत अपनी इज्जत करते हो, बच्चे लोग वो बच्चा रहते इतना फोन किया, बोला आपा वीआईपी लोग का जिस दिन रखा था एक दिन पहले ओपनिंग का, बाद में फिर दूसरों का रखा था, तो मैं ना दोनों टाइम भी नहीं जा सकी, और परसों होटल देखूंगी बोली तो मैं यहाँ से सो गई, और डायरेक्ट समीर ने कामत के पास रुका दिए नाश्ता करने के लिए। हाँ तो मैं अभी होटल का आपको नाम बोलेगी, आप कभी भी आएंगे ना तो होटल पे एक बार रुकना कर जाना करके, मैं कल परी से पूछ के ना होटल का नाम बताती, बहुत बोलती पर मेरी लड़की बोलती इतनी जबरदस्त अम्मी होटल खोले, मेरे बच्चे लोग गए थे उस दिन जाने के, जब मैं बुलाया था उससे पूरे होटल दिखाया, बहुत जबरदस्त करके जाएंगे जाएंगे। हाँ चलो आराम करो, माफी माफी चाहते, इतने लोग लाइव पे थे, हम लोग ने एक का भी कमेंट नहीं पढ़े, इंशाल्लाह कल से आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे और रिप्लाई देंगे, टेंशन मत लो, कल इंशाल्लाह लाइव आए तो कभी, या तो फिर दो दिन कभी लाइव नहीं भी आ सकते क्योंकि बड़ी रात है, थोड़ा बिजी है, नमाज वमाज रोजे सब रहेंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद लाइव आएंगे तो आप लोग को जरूर मैसेज देंगे, और दुआ में सब याद रखो, और किसी को हमारी बात से हर्ट हुआ रहेगा तो माफी चाहते है, बस दुआ के स्क्रीनशॉट अभी लेते जरा अच्छे से, अभी स्टोरी रखेगा अच्छा लेते एकदम थोड़ा एकदम आप एकदम पोज में, आयुब भाई जरा पोज में आ जाए, तेरी बहन को इतने पोज नहीं आते देने के लिए, तेरी बहन सीधी सादी है। तुम लोग बहुत शाने है, तू तेरी औरत बैठ गई, तेरी बेटी पीछे आई, भाई बेटे सेफन पीछे आया, और मेरे तुम लोग बोलते मेरा आदमी मेरे बच्चे लोग सबको मैं बुलाती थी। अरे आपा एक टाइम भाईजान को तो लो फोटो में है क्या? अरे नहीं नहीं भाईजान अंदर सो रहे बेचारा, कब से 2 बजे से अंदर, दो नहीं ढाई बज गया आपा, ढाई बज गए, डेढ़ बजे से गए ले सोने के लिए। चलो चलो सबको अल्लाह हाफिज, दुआ की दरकार है, जिसको पसंद आए वो भी लाइक करो, जिसको नहीं पसंद आए ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, मगर लाइक जरूर करो, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। हाँ भाई क्यों क्या करे कमेंट खोल के, चलो अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, कोई ज्यादा दिल पे मत लेना नहीं तो दिमाग पे चढ़ जाएगी, ठीक है ऐसा है। चलो अल्लाह हाफिज, और कमेंट हम लोग ने इसलिए ऑफ करके रखे थे क्योंकि गलत गलत भी बहुत आते हैं इसके लिए, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज।